नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ के आर मिश्रा। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सर्जी नॉलेज में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा के लिए एवं पॉलिटेक्निक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकाश किसे कहते हैं एवं प्रकाश की प्रकृति क्या है, तो बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में आप लोग यही जानेंगे। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं कि प्रकाश क्या है। दोस्तों, प्रकाश लाइट, इसका कई तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं इसको। तो पहला हम लिखे हैं क्या आपके लिए, कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। आप इसे वह इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिससे जो हमारी आँखों को संवेदित करती है और जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगते हैं। यह तरीका भी अपना सकते हैं। इस तरह ही पॉलिटेक्निक में लिखा जाता है। पॉलिटेक्निक में लिखने का तरीका यही होता है कि हेडिंग डालिए और मतलब सटीक लिखिए, न कि पवारा। अगर पवारा बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो जनरल मार्किंग हो जाता है, पाते हैं लोग 19 नंबर, कोई 17 पा जाता है, 17 के नीचे होता है तो बैक भी लग जाता है। तो पॉलिटेक्निक में लिखने का भी तरीका हम बताएंगे, प्रॉपर इसका वीडियो बनेगा। तो पॉलिटेक्निक में हैं, अगर ITI करते हों या BTEC करते हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी कैंपस सिलेक्शन होते हैं उसका भी वीडियो इसमें पड़ेगा एवं पॉलिटेक्निक से संबंधित सभी जानकारियाँ इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं और सभी के कमेंटों का मैं जवाब भी देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश, दोस्तों, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, यह जो टॉपिक है इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुविकल्पीय के रूप में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें से जहां आएगा टॉपिक मैं बताते जाऊंगा कि कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश के टॉपिक में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से लिखा भी जाता है जैसे मैं हेड डाल डाल के लिखा हूँ। देखिए, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, तो प्रकाश की जो चलता है वो किस में चलता है, सरल रेखा में, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। 0.1 है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। 0.2 है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। 0.3, प्रकाश की चाल 3×10^8 ms होता है। इसकी रफ्तार है, चाल है, ये सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है 4th पॉइंट, कि प्रकाश द्वैत प्रकृति की होती है और ड्यूअल नेचर की होती है। जो प्रकाश होती है लाइट ड्यूअल नेचर की होती है, तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर एवं कण प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर, ठीक है। 5वां पॉइंट है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। प्रकाश में ये सारी घटनाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ कि हाई स्कूल में कुछ कुछ इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में आप पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पॉलिटेक्निक में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, ध्रुवण किसे कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। अगर इंटरमीडिएट किए होंगे तो सारा का जवाब जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट करिएगा, इसका भी एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।